मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं भी हूँ यहाँ पर। तो आज बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं, मिस्टर ही एंड मी बैठ के कॉफी और गर्म पानी पी रहे हैं बहुत टाइम के बाद। बहुत अब तो मतलब जब से ये आई तब से आई गेस ये पहली बार हो गया कभी कि हम लोग ऐसे बैठ के पी रहे हैं। पहली या दूसरी बार हो गए शायद। तो हम लोगों का बिजी, इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि लग रहा हूँ वी गाइस डोंट हैव अ टाइम टू सिट टुगेदर। ओनली हम लोग रात को, जब मैं रात को जब मैं होता हूँ, जब मैं मॉर्निंग करता हूँ, जब मैं रात को जब होता हूँ घर पे, तभी हम लोग मिलते हैं साथ में। और जब से मैंने कैब सर्विस स्टार्ट की है तब से तो मैं और ज़्यादा बिजी हो रखा हूँ। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस, बिकॉज यू नो स्ट्रगल राइट, इन कनाडा यू हैव टू स्ट्रगल। सो दिस इज़ अ थिंग। सो आज तो मैं ये कह रहा था, आई लव यू गाइस। बस और मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट तो क्या, अब तो मतलब 11 बज गए हैं, तो अभी मैं पता नहीं क्या बनाऊंगी। लंच बनाऊंगी। क्या खाओगे आप? ये कुछ नहीं खाते, कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया था इन्होंने। यू नो आई वाज बिजी राइट, मैं बहुत बिजी रहता हूं बच्चों, यू नो राइट, पता है ना। क्या पता बाहर खाते हो, पर मुझे कहते हैं मैं बिजी रहता हूं। ये भी सही बात है। ऐसे पूरा दिन कैसे कोई भूखा रह सकता है? मैं रह सकता हूँ, मुझे तो हर घंटे में भूख लगती है। मैं रह सकता हूँ, यू कैन आस्क फॉर माय मॉम ना। पर जब मैं भूखा रहता हूँ मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ ना। तो खा लेना चाहिए ना, गुस्सा करने से अच्छा है कि बंदा खा ले। राइट। तो चलो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। बोय 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 बोय। सो मैक तो चले गए अपनी कैब पे, तो वहाँ स्नोफॉल बहुत हो रहा है। मैं अभी देख रही थी कि मतलब उनको कितना अच्छा लगता होगा ना गाड़ी में स्नोफॉल हो रहा है और गाड़ी चला रहे हैं। ये जो मतलब कनाडा पहली बार आए होते हैं ना, ये उनको लगता है। वैसे तो हमारे हिमाचल में भी काफ़ी मतलब स्नोफॉल होता है, लेकिन अभी मैंने नया नया गाड़ी चलाना सीखा है। मैंने गाड़ी चलाई नहीं है कभी, बट जहाँ मैंने सीखा था बस वहीं पे चलाई थी। उसके बाद मुझे घर वालों ने दी नहीं। मैं उनसे कहती थी अभी तो मुझे गाड़ी आती है, अभी तो मुझे यार गाड़ी चलाने के लिए दे दो, लेकिन दी नहीं कि नहीं अभी नहीं, तुम्हें कनाडा के हिसाब से चलाना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे वहाँ पे राइट हैंड साइड पे ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठता है। तो वैसे तो फिर वो मुझे बस यही कहते थे कि तुम्हें तो वहाँ के हिसाब से चलना है, तुम्हें तो वहाँ के हिसाब से, तो इसलिए वो मुझे देते ही नहीं थे। तो अभी मतलब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अभी मैं इनको कहती हूँ दे दो मुझे यार, तो ये कहते हैं कि नहीं, मतलब पहले तुम्हें लाइसेंस लेना होगा यहाँ का, उसके बाद ही मतलब होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वाओ इतना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है बाहर, वाओ। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए अभी थोड़ा कम हो गया, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की वो मतलब स्नोफॉल होना कम हो गया, लेकिन पड़ रही है, लेकिन हल्की हल्की पड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं बाहर चले जाऊं, लेकिन इतनी ठंड ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो चलो यहीं से हम नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे उनके आज नाइट ड्यूटी है मैक की। तो मुझे अभी मतलब उनके लिए और रात के लिए डिनर पैक करना है, तो खाना बनाना है। तो देखते हैं क्या बनाएंगे हम। मैंने सोचा मैं भिंडी बनाती हूँ। सो टीवी लगा हुआ है और मैं टीवी में गाने चला देती हूँ। अभी तो मैं क्राइम पेट्रोल देख रही थी। क्राइम पेट्रोल दस्तक तो ज़रूर दी होगी। पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, मतलब इसे देखने के बाद आदमी साइको टाइप हो जाता है। मतलब उसे लगता रहता है जैसे कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, और वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ। तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रोजन भिंडी। यहाँ पे सब कुछ फ्रोजन मिल जाता है भाई, दिख नहीं रही है ना। देखो
यहाँ सब कुछ फ्रोजन मिल जाता है, भिंडी क्या, परांठे क्या, रोचू चपाती क्या, मतलब सब कुछ आपको, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्रोजन। आप फ्रिज में रखो और बस निकालो, तड़का लगा लो बस। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि हाँ मुझे फ्रेश मिले और मैं उसे काट के खुद बनाऊँ। लेकिन अभी टाइम भी कम है तो मैं सोच रही हूँ कि यही बना देती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है तो मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। और मैंने ये देखूँ यहाँ पे प्याज भी निकाली है, अभी मैं इसे चॉप करूँगी और फिर भिंडी बनाऊँगी। जैसे मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे आप लोगों को पता ही नहीं कि हाँ मतलब प्याज भी डलता है इसमें। चलो फिर मैं बनाती हूँ भिंडी और मैं आपसे मिलती हूँ भिंडी बनाने के बाद, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चपाती। तो अभी मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, मेरे दिमाग में अभी ऐसे आया, मतलब होता है ना ऐसे बात करते करते कुछ और भी दिमाग में चल रहा होता है, वैसा वैसा कुछ। तो मैं ऐसे सोच रही थी, अरे मुझे मतलब कॉल करना है, मुझे उसे कॉल करना है। तो फिर मैंने सोचा, अरे वहाँ पे अभी तो रात हो रही होगी इंडिया में, तो अभी नहीं कर सकते, और जब वहाँ पर दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है। तो आज मैं शायद सबको कॉल करूँगी, तो देखते हैं, शाम को कॉल करूँगी क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है, तो मैं सोऊंगी तो होनी, भूतों की तरह घूमती रहूँगी, तो हाँ सबको कॉल करूँगी। तो और चलो बनाती हूँ भिंडी। और मैंने ये राजमा भी भिगो कर रखे हैं, ये देखो राजमा भिगो के रखे हैं, लेकिन इन्होंने रात को मना कर दिया था कि राजमा हम खाएंगे उस दिन जब इनका ऑफ होगा, मतलब कि फ्राइडे को। तो मतलब आज इनका वहाँ पे जहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे 4 डे वर्किंग होता है, तो आज वहाँ पे लास्ट डे है। तो मतलब अभी इनका वीकेंड होगा, लेकिन ये कैब भी चलाते हैं, तो मिस्टर कैब भी बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब मुझे ये वो 3 दिन देंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। बस मैंने कहा इन्हें कि मुझे बाहर कहीं लेकर चलो, लेकिन देखते हैं कल लेकर जाते हैं कि नहीं, कल एक दो काम भी है तो उसके लिए भी जाएंगे, फिर देखते हैं, आपको भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, तो चलो भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं यार। तो रात को मैंने ना हलवा बनाया था, हमने खाया, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा बच भी गया है, तो अभी मैं इसे या तो फ्रिज में रख दूँगी या फिर मैं इसे फेंकने वाली हूँ। अच्छा नहीं बना बिल्कुल भी। अरे यार यहाँ पर चीनी ऐसी होती है, मैंने इतनी चीनी डाली फिर भी उसमें मीठा नहीं हुआ, इसलिए क्या तो मैं उसमें चीनी और डाल दूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। सो वेलकम बैक। तो जो मैक है वो चले गए हैं ड्यूटी पे, तो वो 5:30 निकल गए थे, तो अभी तो 9 बज रहे हैं वैसे। तो मैं करने वाली हूँ डिनर। तो आज डिनर में है, मैंने आपको बताया था, गेस व्हाट। तो ये रही भाई भिंडी, और ये मैंने एक पराठा बनाया था, तो भिंडी के साथ पराठा खाऊंगी। और ये है आइसक्रीम केक, जो भाऊ और भाभी के घर से आया है, तो विष्णु दे के गया था, तो मैंने थोड़ा सा तो उसी टाइम खा लिया था, बहुत बहुत ज़्यादा यम है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाव और भाभी को स्पेशल थैंक्स। तो मैं इसे अभी पूरा ख़त्म करने वाली हूँ, मैक के लिए नहीं रखूँगी, वैसे भी वो आजकल क्या बोलते हैं, सुपरमैन बने हुए हैं, बताऊँ कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो सुपरमैन ऐसे कि मतलब सुबह मैंने आपको बताया था कि वो खाना नहीं खाते हैं, मतलब दिन में पूरा दिन मतलब कैब वाला काम है, और फिर उनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो फिर वो वहाँ चले गए, एंड खाना नहीं खाया पूरा दिन कि शाम को खाऊंगा, नहीं खाया। फिर जाते हुए मैंने कहा कि खा लो कुछ तो खा लो, नहीं खाया कि नहीं अब मैं एक रात को ही खाऊंगा, मुझे नींद आती है, मैं काम करते हुए मुझे नींद आएगी। अरे यार कैसे कैसे हो सकता है, कोई मतलब सुपरमैन ही बन रखे बिल्कुल ही। तो मतलब जाते ही मतलब जैसे वो गए हैं तब से जितनी बार भी अभी तक कॉल आई है तो बस ये मुझे भूख लग रही है। अरे यार मैंने कहा तो था कि खाना खा लो, आप क्या मतलब आप पे ये छोड़ती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब कमेंट बॉक्स में मैक को कहिए कि इतना काम करते हो भाई, थोड़ा खाना वाना खा लिया करो, इतनी मैं मेहनत से खाना बनाती हूँ। तो फिर मतलब उनको आप कहना कमेंट बॉक्स में, तो शायद आपकी बात वो मान जाए। और आज एक स्पेशल बात और हुई है, जैसे वो सुपरमैन बने हैं वैसे मैं बनी हूँ बकर बकर गर्ल बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का इंडिया से कॉल आया था, तो मुझे कहता है कि तू बकवास बहुत ज़्यादा करती है, तो क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ क्या। तो जैसे कि
मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा उसे तो मैं गोली से उड़ा दूंगी, कोई भी बकवास नहीं करती। तो अपनी बकवास को मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। एक्चुअली मुझे बात करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ। तो अभी ये है कि आप मैक को ज़रूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि प्लीज़ यार खाना खा लिया करें, और ज़्यादा सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सुपरमैन तो बन रखे थे, अभी उनको इतनी भूख लग रही है, अभी अभी क्या बने होंगे वो, मतलब किसको भूख लगती है, क्या बनते सुपरमैन, नहीं भूखरमैन बुकर मैन बन रखे वो अभी। तो अभी उनका वो कह रहे थे कि 11 बजे या 11:30 बजे उनकी ब्रेक होगी, तब जाकर वो कहीं खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, तो तब तक बने रहो सुपरमैन। तो मैं तो अब डिनर करने वाली हूँ, मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, और मुझे वैसे भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और पराठे, पराठे तो मेरी जान है। पराठों वगैरह सुबह नहीं होती मेरी, और पराठों वगैरह मेरी ये रात भी नहीं होती। तो ऐसा है कि मतलब मैं खा लेती हूँ, मैंने जैसे सुबह बताया था कि हर एक घंटे में मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे बाद मुझे थोड़ा थोड़ा चाहिए। एकदम से मुझसे नहीं खाया जाता, एकदम से सब मतलब ऐसे खा लेते हैं ना, मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे थोड़ा थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है, तो मेरा ये रहता है। तो जो मैक है तो भाई पता नहीं क्या ही, मतलब अलग ही दुनिया में है वो। तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी मैं अपनी बकवास करती हूँ बंद, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है उससे आपको आ जाएगी। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।